यह नज़ारा है साबरमती रिवर फ्रंट का, और अहमदाबाद का देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यह सबसे खूबसूरत जगह बन के उभरी है। एक वक्त था कि यहाँ पर आ नहीं सकते थे, पूरा 10 से 12 किलोमीटर स्लम हुआ करता था और बेहद ही गंदी जगह थी। साबरमती नदी बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी थी, लेकिन 1960 में एक इच्छा जताई गई कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाए, साबरमती नदी साफ हो, किंतु यह संभव नहीं हुआ और राजनीतिक मजबूरियाँ जो भी वजह रही हो, यह काम आगे नहीं बढ़ सका। 1997 में केंद्र सरकार ने विशेष योजना बनाई और रिवर फ्रंट पर काम शुरू हुआ, लेकिन काम परवान चढ़ा 2005 में जा करके और विस्तृत काम शुरू हुआ तीव्र गति से, और 2005 से लेकर 2011 तक ये लगभग 6 साल का ऐसा वक्त था कि साबरमती रिवर फ्रंट बन गया और आज यह पब्लिक के लिए और दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण है। यह पूरी दुनिया में नदियों को साफ करने का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। लंदन की टेम्स नदी को भी साफ किया गया, लेकिन यह अपने आप में इतनी चुनौतियों के बाद साबरमती को साफ किया गया। आज आवश्यकता हमें नदियों को बचाने की है। मेरे देखते देखते देश की अनेक नदियाँ, हिंडन, सिंध, अनेक नदियाँ काल के गाल में जा चुकी हैं और नष्ट हो चुकी, जो कि गंदे नाले के रूप में प्रकट हो चुकी हैं। यदि वक्त रहते हम नहीं बदले, हमने अपनी नदियों को संरक्षित नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को चुनौती देंगे। तो हमें सोचना होगा और नदियों को बचाना होगा, और साबरमती रिवर फ्रंट इसका एक अनूठा उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच।